कोई संभावना। तो सुना आपने, कोई संभावना नहीं है, ये कहना है सूबे के मुखिया मनोहर लाल का। काफी समय से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि हरियाणा की कैबिनेट में विस्तार होगा। सीएम के 3 दिन के दिल्ली दौरे को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा था। आखिर में जब पत्रकार को मौका मिला तो उन्होंने सीएम मनोहर लाल से पूछ ही लिया कि क्या हरियाणा की कैबिनेट में विस्तार होने जा रहा है, तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में सिर्फ यही कहा कि अभी ऐसी कोई भी संभावना नहीं है, जिससे हरियाणा कैबिनेट के विस्तार की खबरों पर फिलहाल विराम लग गया है। कोई विस्तार की संभावना तो नहीं है सर? हाल फिलहाल कैबिनेट विस्तार की कोई संभावना नहीं। सर, मिल्खा सिंह का देहांत हो गया है, एक बहुत ही मैं कहता हूँ कि उच्च कोटि के एक धावक थे और एक ऐसे एक खिलाड़ी थे जो इतनी बड़ी आयु के होने के बाद भी अब लगातार खेल यानी दौड़ते भी थे। 5 उन्होंने मेडल लिए और एक सामान्य परिवार से उठ करके यहाँ तक पहुँचे और वो हमारे बीच से चले गए हैं, तो इस नाते से एक उनके प्रति श्रद्धांजलि हमारी है और मैं अपनी ओर से हरियाणा सरकार की ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ उनको और अभी मैं सीधा उनके घर पर। इससे पहले कहा जा रहा था कि कैबिनेट में विस्तार के साथ ही कुछ मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, साथ ही कई नए चेहरों को सीएम कैबिनेट में जगह देंगे, मगर सीएम के 2 सेकंड के बयान से साफ हो गया कि अभी कैबिनेट में बदलाव की कोई उनकी मंशा नहीं है। हालांकि प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने पहले ही साफ तौर पर कह दिया था कि उनकी जानकारी में कैबिनेट बदलाव जैसी कोई बात नहीं है। तो कहीं सुना नहीं है, ना हमें मालूम। कैबिनेट में फेरबदल की बात जब उठी तो ये भी कहा जा रहा था कि रंजीत चौटाला को मंत्रिमंडल से बाहर करने पर विचार चल रहा है, मगर अब जब सीएम ने साफ तौर पर मना कर दिया है तो सभी बातें खुद ब खुद साबित हो गई हैं। सीएम ने साफ कर दिया है कि उनका दिल्ली दौरा महज कोरोना के बाद बंद हुई आर्थिक और बाकी गतिविधियों में तेजी लाना है। इसी के सिलसिले में संबंधित केंद्रीय मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की थी, दिल्ली से कमल कुमार कंसल और अम्बाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।